नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टिकमन सुरेश चैनल। आज हम बात करेंगे अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i4 LS BS6 2021 मॉडल के बारे में, जो कि लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का अभी सबसे बड़ा ट्रक है। इस वीडियो में आप लोग को इस गाड़ी का डिटेल प्राइस, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, पेलोड कैपेसिटी और कुछ हाईलाइट्स पॉइंट के बारे में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। यदि आपको इसी तरह का ऑटोमोबाइल्स वीडियो देखना पसंद है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो फिर चलो दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अशोक लेलैंड की अभी सभी लाइट कमर्शियल व्हीकल्स रश्मि मोटर्स में अवेलेबल है। आप स्क्रीन पर एड्रेस को देख सकते हैं। यदि आप उड़ीसा से हैं तब आप शोरूम में आकर गाड़ी खरीद सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए बड़ा दोस्त i4 का ओवरऑल वर्क करा। अशोक लेलैंड बड़ा दोस्तों अभी 2 मॉडल्स में अवेलेबल है। एक है i3 और दूसरा है i4। i4 में आपको 2 टाइप्स मिलता है, एक है एयरलेस और दूसरा है एलेक्सपेरेंट। एलेक्सपेरेंट इसका टॉप मॉडल है। बात करते हैं फ्रंट डिजाइन की, तो फ्रंट में आपको मिलता है अशोक लेलैंड और उसका लोगो का क्रोम फिनिश में बैजिंग। लाइट्स में आपको इसमें मिलता है नॉर्मल हैलोजन बल्ब हेडलैम्प, उसके साइड में मल्टीफंक्शनल टर्न इंडिकेटर्स, नीचे आपको छोटा सा रिफ्लेक्टर और उसके साइड में आपको फॉग लैंप लगाने के लिए स्पेस मिलता है। सिर्फ इसका टॉप मॉडल एलेक्सपेरेंट में आपको प्री इंस्टॉल फॉग लैंप देखने को मिलता है, जबकि नॉर्मल वेरिएंट में आपको फॉग लैंप देखने को नहीं मिलता। साइड प्रोफाइल यदि हम इसका देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बड़ा दोस्त का क्रोम फिनिश बैजिंग, उसके नीचे हमें देखने को मिलता है नॉर्मल बॉल टाइप टोनी इंडिकेटर्स और यहाँ पर हमें कुछ भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता है। और यदि हम इसका राइट साइड प्रोफाइल देखें तो राइट साइड में आपको i4 LS का क्रोम फिनिश बैजिंग और उसके नीचे भी आपको बॉल टाइप टोन इंडिकेटर्स देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका रियर प्रोफाइल। सबसे पहले पीछे हमें देखने को मिलता है अशोक लेलैंड का बैजिंग, और अभी नॉर्मली सभी कमर्शियल व्हीकल में आपको मिलता है रिवर पार्किंग सेंसर्स, क्योंकि आपको इसमें भी दिया गया है। और लाइट्स को आप देख सकते हैं, पीछे आपको दिया गया है इसमें नॉर्मल स्टैंडर्ड टेल लाइट्स, और यहाँ पर आपको हिंदुजा ग्रुप का बैजिंग भी देखने को मिलता है। उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा इसका स्पेयर टायर, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस LCV सेगमेंट में सबसे अच्छा है। बात करते हैं दोस्तों एक्सरोम प्राइस की, तो i4 का अभी एक्सरोम प्राइस शुरू होता है 7,89,000 रुपीज़ से, और इसका अप्रोक्सीमेट ऑन रोड प्राइस है 8,35,000 रुपीज़, क्योंकि कटक उड़ीसा का एक्सरोम प्राइस है, क्योंकि दोस्तों स्टेट बाय स्टेट चेंज होता है। गाड़ी को ज़्यादा क्लीननेस रखने के लिए आपको टायर के दोनों साइड में आपको देखने मिलेगा मड फ्लैप। टायर में इसमें आपको मिलता है 15 इंच का टायर 12 प्ला रेटिंग के साथ। यहाँ पर टायर साइज भी मेंशन किया गया है। सस्पेंशन में सामने मिलता है ओवरस्लॉन्ग पैराबोलिकल स्प्रिंग, जबकि पीछे मिलता है सेमी इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग्स। ब्रेकिंग में सामने आपको मिलेगा डिस्क ब्रेक, जबकि पीछे आपको मिलता है ड्रम ब्रेक्स। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस LCV सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब होता है गाड़ी का सबसे निचले वाला हिस्सा से जमीन तक का डिस्टेंस। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 206 mm, व्हील बेस है 2,590 mm, और गाड़ी के ऊपर आपको मिलता है 3 ईयर्स का वारंटी 1,00,000 किलोमीटर तक। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है इसका फ्यूल टैंक, जिसका कैपेसिटी है 50 लीटर्स, और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है यूज ओनली BS6 डीजल। और यहाँ पर फ्रंट टायर के साइड में भी आपको दिया गया है एक बड़ा सा मड फ्लैप, और इसका मड फ्लैप में भी आपको अशोक लेलैंड का लोगो देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं इंजन के बारे में, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह है इसका इंजन। इसमें लगा गया है अशोक लेलैंड का 3 सिलेंडर वाला 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंटरकूल्ड विथ लिनक्स ट्रैप BS6 डीजल इंजन, जिसका इंजन डिस्प्लेसमेंट है 1,478 cc, जो कि मैक्सिमम 80 HP का पावर प्रोड्यूस करता है 3,300 RPM तक। और इसमें आपको मिलता है 190 Nm का टर्क, जो कि 1,600 से 2,400 RPM तक प्रोड्यूस करता है। कंपनी अभी इसका माइलेज क्लेम करता है 16 km/L, मगर इसका एवरेज माइलेज आपको 12 से 15 के आसपास मिलेगा। गाड़ी के राइट साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका बैटरी और उसके आगे इसका एयर फिल्टर। दोस्तों आप इसे पहाड़ और रास्तों पर भी कंफर्टेबली चला सकते हैं। इसमें आपको मिलता है ग्रेडेबिलिटी 23.2% का। चलिए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से के बारे में, जो कि है इसका लोडिंग कैपेसिटी। इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है 3,490 kg, कोर वेट है 1,630 kg, पेलोड कैपेसिटी है 1,860 kg, या फिर समझ सकते हैं 1.9 टन, जो कि अभी लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। महिंद्रा बिग बोलर पिकअप 1.7 टन से भी इसका पेलोड कैपेसिटी 200 kg ज़्यादा है। बात करते हैं कार्गो बॉडी डायमेंशन की, i4 का कार्गो बॉडी का लंबाई है 9 फीट 8 इंच, चौड़ाई है 5 फीट 9 इंच, ऊंचाई है 1 फीट 7 इंच।
क्योंकि महिंद्रा बिग बोलेरो पिकअप से भी थोड़ा बड़ा है। बहुत ही जल्द आपको 1.7 टन के साथ इसका कंपैरिजन वीडियो देखने को मिलेगा। इसका हाइट भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है। मेरा हाइट है 5 फीट 7 इंच, जबकि आप देख सकते हैं इसका हाइट आपको कितना ज़्यादा मिलता है। चले देखते हैं इसका इंटीरियर। सबसे पहले देखते हैं कोपायलट साइड से। तो दोस्तों कोपायलट साइड डोर ओपन करते ही आपको डुअल टोन कलर में दिखने को मिलेगा इसका कोपायलट साइड डोर। यहाँ पर आपको दिया गया है बड़ा सा बोतल होल्डर, उसके आगे आपको दिखने को मिलता है इसका स्पीकर्स, और गाड़ी में चढ़ने के लिए यहाँ पर आपको छोटा सा पुश स्टेप भी दिया गया है। और इसके जो कोपायलट साइड लेग रूम है वो भी बहुत ही स्पेशियस है, मैं आपको बैठ कर भी इसके बारे में दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है दोस्तों इसके सीट्स, आपको इसमें बहुत ही अच्छा क्वालिटी का सीट मिलता है। अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त देश का पहला LCV है जिसमें ड्राइवर के साथ दो लोग कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं, और इसमें सेफ्टी के लिए आपको दोनों साइड में सीट बेल्ट भी मिलता है। चले दोस्तों बैठ के देखते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं बैठने के बाद भी आपको इसमें सफिशेंट लेग स्पेस मिलता है, यहाँ पर बीच में एक्स्ट्रा कुशन भी दिया गया है, और इसमें आपको लेग स्पेस भी अच्छा मिलता है क्योंकि कंपनी ने इसका गियर बॉक्स को सेंट्रल कंसोल में फिट किया है, जिसके वजह से यहाँ पर लेग स्पेस आपको अच्छा मिलता है, जिसके वजह से आप ड्राइवर के साथ दो लोग को कंफर्टेबली बिठा सकते हैं। और ज़रूरी सामान रखने के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है लॉकेबल ग्लोव बॉक्स, और उसके ऊपर मैगजीन या फिर कुछ छोटे मोटे सामान भी आप इसका फ्रंट डैशबोर्ड में भी रख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं सेंट्रल कंसोल। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, और यहाँ पर आप मोबाइल भी रख सकते हैं। उसके ऊपर आपको स्पेस मिलता है म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए, और इसके दोनों साइड में आपको कुछ फॉल्स स्विच भी मिलता है, और उसके साइड में आपको पावर मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसका ट्रांसमिशन है 5 स्पीड, आपको इसमें मिलता है 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर। गियरबॉक्स के साइड में भी आपको छोटा सा स्पेस मिलता है, और यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इसका हैंड ब्रेक। आप कोपायलट साइड में यदि बैठ के देखेंगे तो इसका हैंड ब्रेक का पोजीशनिंग दोस्तों आपको ऐसे देखने को मिलेगा, और आपको दोनों साइड में दिया गया है इसका सीट बेल्ट। और गाड़ी में सही वेंटिलेशन रहने के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है इसका स्लाइडिंग विंडोज, क्योंकि LS ब्रांड में आपको AC नहीं मिलता है, LX ब्रांड में आपको AC मिलता है। और आप देख सकते हैं इसमें ड्राइवर साइड और कोपायलट साइड में आपको दिया गया है इसका सन वाइजर। सेंटर में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसका रीडिंग लाइट्स, इसमें आपको LED लाइट्स मिलता है जो कि रात में बहुत ही अच्छा विजुअल देता है। यहाँ पर आपको दिया गया है इसका सेंटर मिरर, और कोपायलट साइड में बैठने के बाद इसका फ्रंट व्यू दोस्तों आपको ऐसे देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं इसका ड्राइवर साइड। तो ड्राइवर साइड डोर को सबसे पहले ओपन करते ही आपको देखने को मिलेगा डुअल टोन कलर में इसका ड्राइवर साइड डोर, और इसका लेफ्ट साइड डोर आपको जैसे देखने को मिलता था राइट साइड डोर भी आपको कंप्लीटली सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक बड़ा सा बोतल होल्डर, उसके आगे आपको देखने को मिलता है इसका स्पीकर्स, उसके साथ इसके पीछे भी आपको यहाँ पर स्पीकर्स देखने को मिलता है। पर आप दोस्तों देख सकते हैं ये है इसका ड्राइवर साइड लेग रूम, इसमें आपको बहुत ही अच्छा लेग स्पेस मिलता है। और यह है दोस्तों इसका ड्राइवर साइड सीट, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी का सीट मिलता है, मगर मुझे एक प्रॉब्लम लगा कि कंपनी ने इसमें हेडरेस्ट नहीं दिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से होना चाहिए था। लॉन्ग जर्नी में ड्राइवर को हेडरेस्ट होने से कंफर्टेबल वो राइड कर सकते हैं, मगर इसमें जो हेडरूम आपको मिलता है वो बहुत ही स्पेशियस है। आप देख सकते हैं बैठने के बाद भी मुझे सफिशेंट हेडरूम इसमें मिलता है। यहाँ पर आपको दिया गया है इसका लाइटिंग कंट्रोल्स, उसके साथ इसमें आपको कुछ फॉल्स स्विच भी दिया गया है। इसमें आपको इको मोड का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी में ज़्यादा माइलेज देने में मदद करता। और ड्राइवर कंफर्टेबिलिटी को दोस्तों आप देख सकते हैं ड्राइवर सीट में बैठने के बाद इसका लेग रूम आपको कितना ज़्यादा मिलता है, आपको दोनों साइड में इसमें आपको सफिशियंट लेग रूम मिलेगा। और आप इसका स्टेयरिंग व्हील का पोजीशनिंग को भी दोस्तों देख सकते हैं, ये आपको थाई के ऊपर बहुत ही अच्छा मिलता है, और स्टेयरिंग व्हील में आपको मिलता है इसमें पावर स्टेयरिंग, बीच में आपको अशोक लेलैंड का क्रोम फिनिश में लोगो मिलता है। यह है दोस्तों इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपको कम्प्लीटली डिजिटल में दिया गया है। शोरूम के अंदर गाड़ी होने से मैं आपको इसे ऑन करके नहीं दिखा सकता, मगर मैं इसका सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर जरूर आऊँगा। और गाड़ी में बैठने के बाद दोस्तों इसका डैशबोर्ड आपको कम्प्लीटली ऐसे ही दिखने को मिलता है, और इसका जो टॉप स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड गवर्नर लगा होने के कारण लोड गाड़ी को आप 80 किलोमीटर स्पीड के ऊपर नहीं चला सकते। ये था दोस्तों अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i4 का डिटेल रिव्यू। i3 का रिव्यू आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ उसे शेयर जरूर कीजिए। तो फिर चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।